हेलो एवरीवन, मेरा नाम पवन डोडेजा है और आज हम एक इम्पोर्टेंट पोजीशन देखने वाले हैं जो कि रोक एंडिंग में आती है। फेमसली उसको लुसेना पोजीशन या फिर बिल्डिंग अ ब्रिज नाम से जाना जाता है। मैं हमेशा इस पोजीशन को थोड़ा इजीली याद करने के लिए एक लाइन बोलता हूँ बच्चों को, वो उसको हम ऐसा भी याद रख सकते हैं कि और रुक ऑन द फोर्थ रैंक। सो आप इन तीनों नाम से इस पोजीशन को इजीली याद रख सकते हैं और कैसे इस पोजीशन को जीता जाता है उसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे आज। ये स्टार्टिंग पोजीशन में जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि वाइट एक एक्स्ट्रा पॉन तो है उसके पास, बट कोई उसके पास स्पेस नहीं है जहाँ से कि वो किंग को निकाल के और पॉन को प्रमोट कर पाए। इन टाइप की पोजीशन में जो भी रुक एंडिंग्स होते हैं उनमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हायर साइड के लिए शेल्टर इन द सेंस कि जब भी किंग बाहर निकलेगा तो उसको एक प्रॉपर वे होनी चाहिए जहाँ पर वो ब्लैक द्वारा दिए हुए चेक्स को रोक पाए। सो आपको एक ऐसी जगह क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पर आपको चेक नहीं आ रहा है, और दूसरी बात कोई इंटरमीडिएट मूव तो नहीं है। लाइक इन एवरी पोजीशन जब भी आप प्रमोट करने जा रहे हैं पॉन तो उसके पास कोई ऐसा सोर्स तो नहीं है जिससे कि वो डिफेंड कर पाए उस पोजीशन को। सो इसमें एक सिंपल तरीका हो सकता है कि आप यू कैन गो फॉर रुक जी टू चेक में ब्लैक के पास एक ऑप्शन है जिसमें कि वो किंग एफ सिक्स जा सकता है, बट किंग एफ सिक्स में आप देख सकते हैं कि यू विल सिंपली गो किंग एफ एट में अभी पॉन प्रमोट हो रही है, आप रुक डी एट चेक नहीं दे सकते हैं। एंड इफ़ यू गो फॉर दिस मूव रुक एच वन तब भी क्वीन प्रमोट कर सकते हैं हम, एंड देन पॉन प्रमोशन के बाद इफ़ यू गो रुक एच एट सो एटलीस्ट देर इज रुक जी एट। सो इस कंडीशन में ये पोजीशन श्योरली विनिंग रहेंगी वाइट के लिए। सो आफ्टर रुक जी टू आप किंग एफ सिक्स नहीं जा सकते हैं, बट सपोज अगर वो किंग एच सेवन जा रहा है, ऑफकोर्स किंग एच सिक्स इज़ ऑल्सो वन अनदर ऑप्शन फॉर ब्लैक। सो अगर किंग एच सेवन वो जा रहा है तो आपको इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम है कि इफ़ यू गो फॉर किंग एफ सेवन डायरेक्टली सो ब्लैक के पास एक सिंपल रिसोर्स है एंड दैट इज़ कि वो आपको परपेचुअल चेक्स देता रहेगा। सो इन कंटिन्यूस चेक्स को रोकने के लिए ही मैंने बोला था कि इस टाइप की रुक एंडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ शेल्टर फॉर योर किंग हायर साइड के लिए। सो उसके लिए हमको एक पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें कि आप जो मैंने थर्ड लाइन बोली थी रुक ऑन द फोर्थ रैंक, बिकॉज लुसेना पोजीशन से याद रखने के लिए बहुत बार होता है कि लोग भूल जाते हैं या फिर उनको आइडिया नहीं ध्यान आती है, या फिर बिल्डिंग अ ब्रिज भी आप बोल सकते हैं जिसमें कि वही सेम आइडिया है, बट आपने अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड रुक ऑन द फोर्थ रैंक से ही याद रखा सो इट विल बी रियली इजी व्हेन यू आर प्लेइंग इन टाइम प्रेशर पोजीशन। सो इस पोजीशन को हम ऐसे याद रख सकते हैं। रुक ऑन द फिफ्थ रैंक में एक प्रॉब्लम होगा कि यू विल प्ले किंग एच सिक्स, तो आपको पॉन पुश करने के लिए किंग बाहर निकलेंगे तो रुक मर रहा है, बट यू विल गो फॉर रुक ही एट फर्स्ट। अगर आप पॉन पुश करते हैं तो टेक्स किंग इनटू जी फाइव। सो इसलिए हम फोर्थ रो में रखेंगे रुक को फोर्थ रैंक में। और अब आइडिया ये है कि सपोज इफ़ ही इज़ मेंटेनिंग दैट सेम पोजीशन विद रुक डी टू, तो अब आप किंग बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज यू ऑलरेडी क्रिएटेड वन शेल्टर। फॉर रुक को फोर्थ रो में रखने का पॉइंट ये है कि आपका किंग मैक्सिमम फिफ्थ रैंक तक आ सकता है पॉन को छोड़ के, ठीक है। तो उसमें अगर वो रुकी टू चेक देता है सो यू विल प्ले रुकी फोर एंड आफ्टर टेक्स देयर अ पॉन प्रमोशन, सो दिस इज रियली इजी विन फॉर वाइट। अगर उसने इस कंडीशन में रुक जो है वो फिफ्थ रैंक में रखा रहता सो मे बी देयर अ पॉसिबिलिटी कि वो किंग एच सिक्स आ जाए। इन दिस पोजिशन आई थिंक यू कैन प्ले किंग एफ सेवन, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम हो सकता है कि ही विल गो और रुक हियर। और अब अगर आप वापस जा रहे हैं
आई थिंक इन दिस पोजिशन ऑल्सो यू कैन प्ले रुक ही है, रुक F5 एंड दैट इज़ विनिंग. बट ज़्यादा ईजीएस्ट ये है कि आप रुक फोर्थ रैंक में रखें, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि रुक फोर्थ रो में रखने का पॉइंट ये है कि किंग शेल्टर क्रिएट कर रहा है, और फिर जब हम किंग को इम्प्रूव करेंगे तो फिफ्थ रो तक मिनिमम आप आ सकते हैं, और फिर रुक E4 उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे कि ये इजी विन हो सकती है. सो सिर्फ एक पॉइंट बचता है इसमें, एंड दैट इज़ कि आफ्टर रुक G2 अगर वो पहले ही किंग H6 आ रहता तब क्या होगा. इन दैट कंडीशन ऑल्सो आप रुक फोर्थ रो में रख सकते हैं. अभी अगर वो किंग H5 आता है तो आपके पास रुक G7 है, एंड देन इफ़ यू गो किंग H7 अगेन, सो एटलीस्ट यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ किंग F7, एंड इफ़ यू गो दिस तो अभी शेल्टर है, और फाइनली ये पोजीशन भी जीत लेंगे. सो रुक ऑन द फोर्थ रो में कोई इशू नहीं है इस कंडीशन में, और इतने सालों पहले जो ये पोजीशन एनालाइज हुई थी हमने उसको अभी देखा कि कैसे इजीली विन कर सकते हैं इसको, जो कि रुक एंडिंग का मुझे लगता है किसी भी रुक एंडिंग की बुक में अगर कोई स्टार्टिंग पोजीशन है तो वो ज़्यादातर लुसेना पोजीशन ही होती है, जिसको कि हम तीन नाम से याद रख सकते हैं, लुसेना पोजीशन, बिल्डिंग अ ब्रिज, या फिर जो मैंने एक बताया न्यू रुक ऑन द फोर्थ रैंक. तो थैंक यू, अगले सेक्शन में हम और कुछ वीडियोस देखेंगे. थैंक्स.